अंकुर और टीवी। एक दिन अंकुर और चंपू। अरे चंपू, क्या अखबार में कोई खास खबर है जो इतना तल्लीन होकर पढ़ रहा है? हाँ अंकुर, खबर है कि एक कंपनी ने 3 डायमेंशन का टीवी बनाया है। यह तो कुछ भी नहीं, मैंने 6 डायमेंशन का टीवी देखा है। 6 डायमेंशन का? कहाँ? मेरे घर चलो और देख लो। दोनों अंकुर के घर की तरफ चल देते हैं। 6 डायमेंशन का टीवी कभी सुना नहीं। घर पहुंचकर वह देखो, वह रहा। यह तो एक आम टीवी की तरह लग रहा है। 6 डायमेंशन कहाँ है? देखो, तुम्हारे सामने 1 डायमेंशन, दूसरा दाएं, तीसरा बाएं, चौथा पीछे, पांचवा ऊपर और यह नीचे का 6ठा डायमेंशन। तभी उनके घर में एक आदमी आता है। पर मेरे पास एक ऐसा टीवी है जो तुमने आज तक देखा ना हो, पॉकेट टीवी। पॉकेट टीवी? हाँ, देखो ये रहा। इसे जेब में रखकर जहाँ चाहो ले जाओ, यहाँ तक कि स्कूल के क्लासरूम में भी। लेकिन यह चल तो रहा नहीं। यह बैटरी डालने से चलेगा, क्या तुम्हारे पास है? ऊपर वाले कमरे में मेरे पास एक बैटरी रखी है, आओ चलकर इसमें लगा दें। अंकुर, यदि यह पॉकेट टीवी चल निकला तो सब जगह धूम मचा देगा, तुम्हारा ख्याल ठीक है। यह रहा वह बैटरी का सेल, इसे मैं अपने वीडियो गेम के लिए लेकर आया था। बैटरी का सेल तो लगा दिया, मगर फिर भी यह टीवी नहीं चल रहा। धोखा, यह पॉकेट टीवी सिर्फ एक खिलौना है। इधर वो आदमी को बेवकूफ बनाया। जब तक वह ऊपर गए हैं, मैं उनका यह टीवी लेकर 9:00-11:00 हो जाता हूँ। और वो चोर टीवी सर पे रखकर घर से बाहर की ओर दौड़ लगा देता है। पॉकेट टीवी के चक्कर में वे अपने टीवी से भी हाथ धो बैठे। घर के बाहर हैं। दोस्त, टीवी ले जाना इतना आसान नहीं। तुम जैसे चोर उचक्कों से मेरा वास्ता अक्सर पड़ता रहता है। कुछ देर बाद, चलो बड़े घर, जेल में आजकल सरकार ने टीवी लगा दिए हैं।